ड्रॉइंग। आप कौन सा नंबर आया आपका? थर्ड। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सिक्स। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? केवीएस केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय पढ़ती हो? क्या नाम बेटा आपका? निहारिका। निहारिका कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेकंड में। क्या नाम बेटा? कविता सुनील कुमार। कविता सुनील कुमार, आपने अपना भी नाम बताया, पिताजी का नाम बताया? मेरा पूरा नाम यही है, कविता सुनील कुमार। अरे बाप रे बाप, ये बच्चा क्या नाम बेटा? विवेक। बहुत अच्छी। क्या नाम बेटा? मुस्कान सुनील कुमार। और क्या नाम बेटा? सोनी सुनील कुमार। सोनी सुनील कुमार, अच्छा अच्छा। नेहा कौन सी क्लास में पढ़ती है? सेवन। कौन से स्कूल में पढ़ती है? सर्वोदय शिक्षा उत्तम विद्यालय। अच्छा बेटा आपका? अंजलि गौतम। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? सर्वोदय सेकेंडरी स्कूल। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? रिशु। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? एमसीडी में। अरे बाप रे बाप, देखो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले कोई काम नहीं करते। ये ड्राइंग बनाई थी बेटा लेमन वाली ड्रेस जी? लेमन वाली ड्रेस में, चम्मच वाली। चम्मच वाली, अच्छा। क्या नाम आपका? अनिश्का। अनिश्का, तो आपने ये दो ले रखी है बेटा, ये आपने क्या जीता था यहाँ पर? रनिंग, दौड़ लगाई थी तुमने, हैं? क्या नाम है बेटा आपका? मोहिनी। मोहिनी कौन सी क्लास में पढ़ी है? नाइन्थ में। आपके पास दो मेडल हैं, एक चुरा के लाई हो? नहीं है। और मेरे ही है, जीत के लाई है। अच्छा, एक काय में जीता? रेस में। स्कूल में पढ़ती हूँ। और ये जो? ये रस्ता, रस्ते की चिंग में। क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? गुडलक पब्लिक स्कूल। तो आपने क्या करा था जो आपको ये मेडल मिला है? रस्सा खींची। अरे बाप रे बाप। क्या नाम बेटा? अभिषेक गौतम। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर्वोदय बाल विद्यालय। तो क्या नाम बेटा? नैना भारती। तो बेटा ये आपने एक मेडल है, आपने क्या करा था, क्या जीता था, क्या करा था यहाँ पर? रेस करी थी, दौड़ लगाई तुमने? नहीं। और रस्सी आपसे नहीं पूछा मुझे, बच्चे हैं, बच्चों इनका क्या जैसे जाने। और कौन रह गया आप? रखे बेटा अंजलि निगम। कौन से स्कूल में पढ़ती है बेटा? डीजीएस अशोक नगर। तो ये आपने जो शील्ड जीती है, क्या करा था आपने? ये रेस में जीती है, फर्स्ट प्राइज पे। रेस करी थी आपने? तुम तो वैसी पतली दुबली दिखाई दे रही हो। बहुत अच्छी बात। ये तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और मैं एसएम न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, चाहे आप एक रोटी कम खा लेना प्रत्येक दिन, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में कुताही मत बरतना, क्योंकि वो महापुरुष यही कहते हैं कि वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना उसे पिएगा, जितना उसे ग्रहण करेगा, उतना ही ढाड़ेगा। मेरा नाम रिया भारती। सीनियर सेक्रेटरी स्कूल नंबर 2 रेलवे कॉलोनी। सीनियर सेक्रेटरी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? तो बेटा इसको थोड़ा ऐसे करो। हाँ, आपने जो ड्राइंग बनाई थी, तो ड्राइंग के अंदर आपने क्या बनाया? मैंने ना लॉर्ड बुद्धा की मतलब एक स्टैचू टाइप बनाया था। तो लॉर्ड बुद्धा को बेटा आप, लॉर्ड बुद्धा की क्या, आपने कैसे पता कि लॉर्ड भगवान? उन्होंने मध्यम मार्ग बताया था, मैंने इनकी बुक्स भी काफी पढ़ी हैं, तो उसकी वजह से मुझे पता है कि हाँ। बुक पढ़ी है तुमने? हाँ, मेरी एक्चुअली मेरी बुक में भी इनके पूरे चैप्टर्स हैं, उसके बारे में मुझे पता चला कि आपको मम्मी पापा ये कहते हैं ये हमारे ये भगवान है, या हमें इनका धाम, क्या कहते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा बोलते हैं कि भगवान है, इन्होंने बताया कि एक्चुअली भगवान अस्तित्व में नहीं होते, उन्होंने बहुत सारी शिक्षा दी है, कि प्रतिज्ञाएँ भी ली हैं, बहुत सारी जिससे हम अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। 12th क्लास में जी, तो कौन सी साइंस ले रखी है? साइंस ले रखी है। और साइंस के अंदर क्या सब्जेक्ट है? नॉन मेडिकल। अच्छा, इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में रखते हैं। तो आपके आगे एम क्या है? आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? यस। हैं? पापा क्या करते हैं?
पापा का कपड़े का काम है, क्लोथ्स का। क्लोथ्स का काम है जी। तो आप अच्छा ढंग से पढ़ेंगे आज इसको, ये मत सोचना कि मैंने इसलिए नहीं नहीं थोड़ी सी शील्ड जीत लिया no. आपको मेहनत करनी है yes. और अगले साल मैं नंबर दूंगा, फिर अगले साल मुझे बताना कि मैंने ये इतना बड़ा प्राइज जीता है। आप इंडिया ही नहीं, 120 देश और देख रहे हैं, है ना बेटा। नाम आपका? भारती। अमन भारती। कौन सी क्लास में हैं? 11th में। कौन सी साइड ले रखी है? 8। तो आज आपने यहाँ दौड़ कराई? हाँ, दौड़। दौड़ कितने मीटर की? ये 100 मीटर की थी। 100 मीटर की। तो कितने स्टूडेंट थे दौड़ लगाने में? ये 10 थे शायद। 10। हाँ। तो आपका फर्स्ट प्राइज आया? सेकंड। IIT करेंगे या फिर BTech वगैरह करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, दरअसल लास्ट ईयर से मैंने थोड़ा लिटरेचर पढ़ा है और मैं लिखने भी लगा हूँ। दोबारा मतलब मैं छोड़ इंटर साइंस से करके मैं फिर लिटरेचर पढ़ूंगा, मतलब इंजीनियरिंग में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर पढ़ने का मन है और लिटरेचर में ही अब इंटरेस्ट है मेरा, इतना इंजीनियरिंग में अब मन नहीं है। तो क्या ये परिवार का दबाव है या आप अपने? नहीं नहीं, परिवार का दबाव नहीं है। जब मैंने अपने समाज के कवियों गायकों को देखा और वो इस कला के जरिए समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग करने से अच्छा है मैं साहित्य में अपना करियर भी बनाऊं और साहित्य के जरिए समाज को मैं जागरूक भी कर पाऊंगा, फिर इसलिए मैंने लिटरेचर पढ़ने का निर्णय लिया है। लेकिन माँ बाप को आपसे आशा है कि मेरा बेटा जल्दी से कहीं नौकरी जाए, पैसा आए घर में और लिटरेचर पढ़ेंगे, तो लिटरेचर से आपको क्या मिलेगा? जी, लिटरेचर से ऐसा नहीं है, लिटरेचर कोई करियर नहीं बन सकता। लिटरेचर पढ़ के भी मैं टीचर बन सकता हूँ लिटरेचर का, और साहित्य पढ़ा सकता हूँ, और काफ़ी सारे मेरे मार्गदर्शक हैं, बाल गंगाधर बागी जी हैं, ये राजू भारतीय जी हैं, मंजीत भैया हैं, वो सब मुझे सिखाते रहते हैं। वो सब भैया मतलब मंजीत मेहरा जी? मंजीत सिंह अवतार जी। अवतार जी, हाँ। वो सब मुझे सिखाते रहते हैं क्योंकि वो साहित्यकार भी हैं और अपना जॉब भी करते हैं, तो उन सबसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है और मैं करते रहता हूँ। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, वरना मैं हर एक प्रतियोगिता में भाग लेता, लेकिन मैं केवल रस्सी खींच में भाग ले पाया और उसी में मैं थोड़ा आया हूँ। और मैं लिख रहा हूँ काफ़ी दिन से कविताएं। कविता लिख रहे हैं जी? तो जो आप कविता लिख रहे हैं उस कविता की मतलब दो तीन लाइन सुनाएं। जी, मैंने एक कविता कल ही लिखी थी, एक्चुअली सुबह सुबह लिखी थी, तो मैं वही आप सबके सामने रखूंगा कि जिंदगी है रेल लंबा सफर है और बढ़ते चलो ये बुद्ध की डगर है, और कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी, रुकना नहीं, सब तुम पर नजर है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और हम सब लगे हुए हैं, हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो हम बाबा साहब का स्वप्न पूरा करने में लगे हैं, लेकिन बाबा साहब का स्वप्न क्या है? वो स्वप्न को मैंने, उस स्वप्न को प्रदर्शित करते हुए मैंने कुछ लाइन लिखी थी पिछले वर्ष, और मंजीत भैया के जरिए मैंने कई मंच से बोली भी हैं, तो मैं वही आप सबके बीच रखूंगा कि बौद्ध धम्म पचरंगा झंडा लहर लहर लहराएगा, और इस झंडे की शान बड़ी है कभी न झुकने पाएगा, और घर घर और नोट नोट पर बाबा का फोटो आएगा, और कॉलेज कॉलेज दफ्तर दफ्तर भीम के गुन ही गाएगा, लाल किला पार्लियामेंट पर नीला झंडा लहराएगा, पर यह सब संभव उसी समय हो पाएगा जब हर कोई बेटा जैसे बेटी को भी पढ़ाएगा, और उसी समय यह देश मेरा बाबा के सपनों का कहलाएगा, उसी समय यह देश मेरा बाबा के सपनों का कहलाएगा। गौतम, ये देखिए कितनी अच्छी बात। अभिषेक गौतम कहा जाता था कि हमारे यहाँ कवि नहीं है, अभी अभिषेक गौतम 11th में पढ़ रहे हैं और इनकी धारणा जो है बिल्कुल समाज को इकट्ठा करने की है, जो अभी कविता के माध्यम से बताया कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो हमारे समाज के साथ क्या हुआ। इन्होंने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा कि गरीबी क्या होती थी, हो सकता है कि मेरी पीढ़ी ने देखी हो, लेकिन अभी से इनको दर्द है कि जब देखते हैं कि हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। तो अभिषेक जो एक साइंस के स्टूडेंट है और अब इन्होंने अपना एक निर्णय लिया है कि मैं साहित्य लिटरेचर की तरफ जाऊँगा और उसमें मैं अपना करियर बनाऊँगा।